कन्नौज में शुक्रवार रात सड़क हादसे में एसी बस में सवार 20 लोगों के जिंदा जलने की आशंका है। ट्रक से आमने सामने की टक्कर के बाद बस और ट्रक दोनों में आग लग गई। बस फरुखाबाद से जयपुर जा रही थी। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल के अनुसार बस में 45 लोग सवार थे। बचाव दल ने 25 लोगों को बाहर निकाल लिया। 23 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 सुरक्षित हैं। 8 से 10 लोगों के शव मिले हैं जो पूरी तरह से जल चुके हैं। डीएनए टेस्ट के बाद ही मरने वालों का सही आंकड़ा मिल पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के डीएम और एसपी को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। सीएम ने कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री को दुर्घटना स्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगते ही गेट और खिड़कियों के रास्ते लोग बाहर कूदे। देखते ही देखते लपेटे तेज हो गई, जिससे बस में सोए हुए यात्री बाहर नहीं निकल सके। टक्कर लगने और आग लगने के दौरान बस में सवार एक यात्री राम प्रकाश बमुश्किल खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। आइए आपको सुनवाते हैं इस भयावह हादसे की पूरी कहानी उसकी जुबानी। निकल पाया वो निकल गया। कम से कम 40 या 45 आदमी उसके अंदर जल गया। बस में आग लग गई तो खिड़की के पास बजे तो हमारे पास थोड़ी बहुत बालन दूर से तो नहीं निकल पाए तो हम चिल्लाते रहे। इसके बाद में कोई मान लो गांव का आया कोई भाई शीशा ईसा कोड़े उसी में ये एक्सीडेंट हुआ था। किससे किसमें हुआ था? ट्रक में और बस में। तो इसमें बस में कितने लोग हो सकते हैं? 60 से 70। 10-12 बाहर निकले हैं। यात्री बस थी जो जयपुर जा रही थी शिप्रामऊ के आगे बेवर रोड पर। लगभग 5 किलोमीटर शिप्रामऊ से एक ट्रक से इसकी भिड़ंत हुई जी, और इसमें आग लग गई। आग लगने पर कुछ यात्री तो बाहर निकल पाए हैं लेकिन कुछ यात्री अंदर ही रह गए हैं। 21 लोग जो लोग बाहर आए थे जो घायल अवस्था में थे उनको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस पर अंदर और इसमें देखा जाएगा कितने लोग फंसे थे। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपये सहायता की देने की भी निर्णय लिया है। जो घायल हैं उन सब को उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं और इस पूरे घटना का ब्यौरा हम लोगों ने प्रशासन से। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।